फ्रेंड, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज है जन्माष्टमी और आज सुबह सुबह इस तरह से जो पूजा हुई, तो जैसे रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह से आज पूरी पूजा की थी। इसके पहले हमने पूरा डीप क्लीनिंग अपनी मंदिर का किया था, तो ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मॉर्निंग पे इदप्पा पूजा आरती जो कुछ भी होती वो कर ली थी, और आज का दिन जो था तो काफ़ी काम हो जाता है, आप सभी को पता है। लेकिन आज का जो हमारा डेकोरेशन वगैरह था, तो इसमें बिल्कुल पूजा के, आप सोचिए कि 2 घंटे पहले हमने रात को डेकोरेशन किया था। हमने क्या किया था, मतलब दोनों बच्चों ने मिलके पूरा डेकोरेशन किया था, और साथ में कुछ काम आ जाने के कारण उसके पहले डेकोरेशन नहीं हो पाया। जल्दबाजी में जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, तो वो डेकोरेशन हम लोगों ने किया। लेकिन फिर भी उस जगह पर काफ़ी अच्छा लग रहा था जहाँ पर डेकोरेशन किया गया, पूजा की गई। और आप सभी जानते हैं कि कहीं पर भी यदि आप पूजा करते हैं, जिस जगह पर भी, वो जगह काफ़ी अच्छी लगने लगती है। तो देखिए, इदप्पा एक ये लिया था बॉक्स इस तरह से, तो इसके ऊपर इस तरह से पहले हम लोगों ने कुछ इस तरह से साड़ी वगैरह लगाई थी, लेकिन ये सेटअप जो है तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर इसको निकाल दिया था। कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर इसके बाद जो है तो कुछ इस तरह से कर दिया था, ग्रीन कलर की साड़ी लगा दी थी और इसको पिनअप कर दिया था इधर पर दोनों तरफ से, और ये पटा रख दिया था जिसके कारण कि थोड़ी सी हाइट मिल जाए। और बस इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन किया तो वो इस तरह से किया है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा लगा था क्योंकि आज काफ़ी कुछ काम भी निकल आए थे, और साथ में क्या हुआ था कि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस कारण से जो है तो ये वीडियो भी लेट आप लोगों के पास पहुँचेगा। और बस इस तरह से पूरा सब डेकोरेशन कर लिया था। पर हम तीनों ने ही मिलके जो है तो डेकोरेशन कर लिया था। जो प्रसाद वगैरह था, खाना वगैरह था, तो वो पहले ही हमने बना के रख लिया था, लेकिन बस डेकोरेशन में इस बार थोड़ी लेट हो गए थे, यानी तो पहले ही हम पूरा अपना करके तैयारी करके रख लेते हैं। इस तरह से देखिए, एक एक चीज़ की तैयारी पूरी हो गई थी, फूल वगैरह से माला वगैरह भी घर पर ही बनाई थी। जितना कुछ हम कर सकते हैं उतना हम घर पर ही करते हैं, और बाकी देखिए फाइनल लुक जो था तो कुछ डेकोरेशन का इस तरह से था, और काफ़ी अच्छा लगा था। छोटी सी जगह थी, छोटा डेकोरेशन था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बैलून वगैरह भी लगा दिए थे, तो इस तरह से जो है तो पूरा डेकोरेशन था जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सारी चीज़ें हमने सेट करके रख दी थी कि सिर्फ रात के 12 बजे पूजा भर करनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, और सोचिए कि 10 से 15 मिनट पहले ही सारा कुछ जो कुछ भी जल्दीबाजी में हो पाया उसको किया है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन लग रहा था। तो इस तरह से बस 12 बज गया था। 12 बजे जो है तो हम लोग हर बार रात के 12 बजे ही पूजा करते हैं, तो बस इस तरह से कुछ हम लोगों ने अपने लड्डू गोपाल को कुछ समय पहले ही इस तरह से उनका पूरा श्रृंगार वगैरह उतार के और इस तरह से कर दिया था, और बस उसके बाद जो है तो सारी पूजा, दिया जलना, ये सब कुछ कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी अच्छे से सारी तैयारियाँ हो गई थी। और आपको बता दें कि इधर पर जो ये पोशाक और उनका जो भी श्रृंगार का सामान था तो कुछ इस तरह से निकाल के रख लिया था। और रात के जो है तो हम लोगों को करीब 2:30 का टाइम हो गया था, मतलब पूजा 12 बजे हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, और 2 से 2:30 बज गया था, इन लोगों ने काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह भी किए, तो इस तरह से टाइम हो गया था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया और सारा जो सेटअप था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था।
से छोटा फेस्टिवल भी होता है तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल में जो होता है ना तो आपकी एनर्जी जो होती है तो वो दुगनी हो जाती है और काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करने को होता है, बहुत अच्छा लगता है और सोचिए कि एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं तो पूरे घर में आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सारे ही लोग मिल के इस तरह से पूजा में के लिए जो कुछ भी करना होता है तो करते हैं, और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है जिसके कारण कि बहुत कुछ अच्छे से हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है इन सब कामों को करने में। ठीक है, थोड़ी सी थकान हो जाती है लेकिन काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के काम करने में। तो बस लास्ट में जो था तो हवन है, पूजन है और साथ में जो आरती वगैरह है वो सब हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस तरह से जो जन्माष्टमी थी तो बहुत 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 अच्छे से मनाई हम लोगों ने। तो इस तरह से देखिए सब ने अपना आरती वगैरह कर ली थी। तो आपको हमारा जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा आज का दिन निकला हम लोगों का, सुबह से ही काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। तो इस तरह से अब आप बताना, आपको है बारी, आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको हमारे वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आप तक समय समय पर पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, और आगे का वीडियो जो है तो आप इंजॉय कीजिए। इधर पर हमारा विस्की भी जो है तो टीका वगैरह लगवाने के लिए आ जाता है, कोई भी पूजा होती है तो वो ज़रूर उसमें शामिल होता है, पूरे टाइम जो है तो पूजा के पास वो इस तरह से बैठता है और टीका वगैरह ज़रूर लगवाता है।